बूम। तो भाई साहब कैसे तुम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। वो भाई आज है पहली रमजान, पहला रोजा है आज, और मेरी तरफ से तुमको और तुम्हारी फैमिली को रमजान मुबारक। तो भाई अभी तो चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ठीक है, क्योंकि सहरी बगैर फ्रेश हुए नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम तो उठे हुए थे। और अभी तो मेरा पिछला वाला जो व्लॉग है जिसमें शॉपिंग करने गए थे हम, वो भी एडिट नहीं किया, आधा करा था, एक्सपोर्ट करना ही भूल गया मैं, अजीब। खैर तो पहला रोज़ा आज, और अभी सहरी का वक्त हो चुका है, हम तो सोए नहीं, तुम्हें पता उल्लू के पट्टे हो रहे हैं। और क्योंकि ये जानवर वाले आ जाते हैं तो हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रोज़े के बाद तो जाहिर सी बात है अगर हम सो के उठते हैं तो ब्रश नहीं कर पाते, मगर क्यों, क्योंकि उससे रोज़ा टूट जाता है। तो सोए नहीं है, हालत टायर्ड हो रही है मेरी, और अभी सहरी करते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं और वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपन गश हो जाएंगे, सो जाएंगे ठीक है। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, चलो सहरी करते हैं आ जाओ। तो भाई आज से जो अपनी जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता था ना, जैसे अब हम कहीं जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर जिम जाता हूँ या यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो बैकग्राउंड में जो मैं एक साउंड लगाता हूँ क्या, तो क्योंकि अब रमज़ान शुरू हो गया और हमने इंसान का बच्चा बनना है, तो इसलिए हर चीज़ों से गुरेज करना पड़ेगा जी। उन चीज़ों में म्यूज़िक भी आता है, तो अब से अपनी वीडियोज़ में वो वाला गाना ऐड नहीं होगा। बाकी जो कॉमेडी सीन्स के बाद जो मीम्स वगैरह होती हैं वो तो लाजमी है, जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, उसके कोई उससे कोई मसला नहीं है। बट अब म्यूज़िक नहीं डाल पाऊँगा मैं, क्योंकि रमज़ान आ चुका है और 30 दिन के लिए हम थोड़ा इंसान बन जाते हैं, और इसलिए मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा। और अभी तो चलते नाश्ते करते हैं, आ जाओ। बूम। तो भाई सहरी वगैरह कर ली थी और अभी नमाज़ पे चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मिनट बचा है, तो नमाज़ पे चलते हैं। और अब पता नहीं कैसा दिन जाएगा, अब तुम लोग ये सोच रहे हो भाई तू ये क्यों बोल रहा है, क्या तेरा पहला रोज़ा? पहले रोज़े वाली बात नहीं है, मगर तुम्हें पता है ना अब एक साल के बाद रखा है, तो फिर से सायरन बज गया। अम्मी पानी फजर की नमाज वक्त हो चुका है और अभी निकलते हैं, क्योंकि अगर देर करी तो नमाज मिस हो जाएगी मेरी। निकलो भाई, भागो भागो भागो। घूम। तो भाई यार दूसरा दिन हो गया और सो के उठाऊँ और मुंह भी धो लिया मैंने, क्योंकि नमाज पे जाना है और नमाज का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, अम्मी की गालियाँ नहीं खानी, और क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है तो भाई नमाज़ पढ़ना लाजमी है, लाजमी तो वैसे भी होते हैं मगर रोज़ा रखा तो और लाजमी हो जाती है, और मतलब आप पे और जिम्मेदारी आ जाती है। सही बात है। तो खैर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और अभी यार देखो रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, और मैंने तुम्हें पता नहीं कौन से व्लॉग था मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने क्या बोला था कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होगा तो मैं पूरा एक महीना में टोपी पहनूंगा। क्या बात कर रहे रे बाबा। ठीक है तो कोई मसला नहीं है, मैं पहनूंगा पूरा एक महीना टोपी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन है और टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया मैंने आज के दिन से। तो अभी तो चलते हैं नमाज पे, और तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, तुम जैसे देख सकते हो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, घर में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, और जब से मैं सोया हूँ मैं एक दो बार उठा था ठीक है, कुछ काम होते हो करने के लिए, समझ गए होगे तुम लोग तो देखा भाई बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही थी बारिश, बहुत तेज, बहुत ही प्यारा मौसम था माशाल्लाह। तो अभी तो चलते नमाज पे, आके एक दो और काम वो करते हैं, तो चलो भाई। बारिश हुई है भाई, अभी भी पानी भरा पड़ा है, सुबह सुबह बारिश हुई है, मैं तो सोया हुआ था, मम्मी ने बताया मुझे भाई। A few inches later. अभी बैठे होते चिल कर रहे थे और अभी असर की नमाज का वक्त हो चुका है, तो निकलते हैं नमाज के लिए, फिर आते हैं और अम्मी से अफ्तारी के सामान में हेल्प करवाते हैं, तो चलो भाई चलो। बूम। तो भाई साहब यार मुझे पता है आज के ब्लॉग में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, अबे एक तो इसको पता नहीं क्या हुआ यार, भाई जगह पे चला यार तो भाई आज मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा ब्लॉग में, क्योंकि यार असल में मैं पिछले वाली जो ब्लॉग है कल वाला, उसको एडिट करने में, उसके थंबनेल्स वगैरह बनाने में, और उसकी कुछ और चीज़ें जो हैं मतलब डिटेल्स वगैरह वीडियो के डालते हैं वो जब आप अपलोड करते हो, तो वो सब चीज़ें डाल रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी हो गया था और इसलिए ब्लॉग बनाना ही मैं भूल गया। ये क्या बात करता है यार। मगर खैर थोड़ा बहुत तो बनाया यार। खैर और अभी भाई हुए 6:20 हुए ठीक है,
और यानी इस हिसाब से मेरे ख्याल से ज़्यादा आधा घंटा रहता होगा इफ्तारी के लिए, राइट? सही बात है। हाँ, आधा घंटा रहता है इफ्तारी के लिए। और अब तुम्हें इफ्तारी का सामान दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बना, मम्मी अच्छा बनाती हैं बहुत, तो देखते हैं क्या क्या बनता है इफ्तारी में। और आप वजू वजू कर लेते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं, फिर चलते हैं नमाज़ पे, तो इफ्तारी दिखाता हूँ, फिर चलो ठीक है। तुमने टोपी उतार दी, तभी तो मेरे बाल अजीब से हो रहे हैं। अरे नहीं भाई, इसको वापसी पहननी पड़ेगी भाई, आ जा। चलो भाई सारन भरिया, अफ्तारी करो। अबे टूट, चल टूट भाई, टूटो भाई ये लो। मज़ेदार बूम। तो भाई यार मगरिब की नमाज़ तो मिस हो गई थी, क्योंकि हम अफ्तारी करने बैठ गए थे और टूट पड़ गए थे मैं और अनफाल, तो इसलिए मगरिब की नमाज़ मिस हो गई थी। कैसे लोग रहते हैं यार। तो अभी चलते ईशा की नमाज़ पे, चलो भाई। तो भाई नमाज वगैरह पढ़ ली थी और फारिग वारिग हो गए थे, तरावी नहीं पढ़ी क्योंकि भाग के आ गए भाई। ये फंस गया सी है, तरावी कौन पढ़ेगा यार, एक से दो घंटे की, खैर पढ़नी चाहिए वैसे। बोला चल। तो खैर आज के ब्लॉग अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो भाई ये था अपना रमजान का पहला दिन, और कैसा लगा तुम लोगों को ब्लॉग? छोटा सा ब्लॉग था, मगर मुझे पता है पहली बात तो रोजा था, तो ज्यादा काम भी नहीं थे, तो इसलिए वो भी नहीं किए, इसलिए छोटा सा ब्लॉग है। तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो तुम्हें पता तुमने क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।